हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा गार्डन। आज मैं आपको मेरे गार्डन में जो फ्लावर्स खिले हुए हैं वो दिखाऊंगी। सुबह का टाइम है, इस टाइम बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। सबसे पहले है ये हाइब्रिड विंग का, ये प्लेन पिंक है और ये टू शेड्स में है, ये वाइट है और ये भी वाइट है। ऊपर फ्लावर्स इसमें आ चुके हैं, फिर आ रहे हैं, और ये भी पिंक है, ये ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर के फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं। सुबह सुबह गार्डन में आना बहुत अच्छा लगता है, इन फूलों को देख के मन खुश हो जाता है। ये लॉलीपॉप प्लांट है, इसको श्रिंप प्लांट भी बोलते हैं। मेरे पास ये येलो कलर में है, ये भी खिला हुआ है, कली खिला है ये। इसके नेक्स्ट प्लांट है जट्रोफा का, ये मेरे पास पिंक कलर की वैरायटी है, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं फूल, छोटे छोटे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। ये बंचेज में आते हैं फ्लावर्स, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। नेक्स्ट है चांदनी का, ये सिंगल पेटल चांदनी है मेरे पास, कितने प्यारे लग रहे हैं फूल सुबह सुबह। ये मेरा पिंक कलर का मोस्ट रोज का है, देसी वैरायटी है, हैंगिंग बास्केट में लगाया है मैंने ये, और ये मैंने अभी कटिंग लगाई है इसमें, ये भी पिंक मोस्ट रोज है। ये मेरा डेनियम का, इस पर फ्लावरिंग हुई थी, अब चली गई है। ये मेरा प्लांट है यूफोर्बिया मिलिका, इस पर 1 मंथ से भी ऊपर हो गया है फ्लावर खिले हुए हैं, अब थोड़ा कलर इनका फेड हो गया है। ये देखिए मोस्ट रोज कितना बड़ा खिला हुआ है। मुझे तो बस देसी वैरायटी पसंद आती है, हाइब्रिड में फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं और कम आते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं। ये भी यूफोर्बिया मिली का एक अलग कलर है, इस टाइम ये कलर और ये सेम लग रहे हैं, जबकि अलग है, ये ऑरेंज है और ये पिंक है, काफ़ी दिनों से खिले हुए हैं इसलिए इनका कलर फेड हो गया है, अब तो बस पेंट होने वाले हैं ये। एक मेरे पास ये कलर है, उस पर अभी फ्लावरिंग होनी है, और एक ये है, लो उतर गया, एक मेरे पास ये ड्रॉप वैरायटी है, इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं। ये पर्सलिन है ऑरेंज कलर का, और ये पिंक कलर में पर्सलिन है, ये देसी विंका की वैरायटी पिंक कलर की, और ये है पर्पल हार्ट, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, कल बारिश हुई है बहुत, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, छोटे छोटे फूल, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसको पर्पल हार्ट बोलते हैं क्योंकि ये पर्पल कलर का, इसमें हार्ट शेप में ऐसे फ्लावर आता है। ये मेरे पास ड्रॉप वैरायटी का एक जोरा है, छोटे छोटे फूल बंचेस में आए हुए, बहुत सुंदर लगते हैं। ये प्लांट समर में फ्लावरिंग करता है और विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है। मेरे पास ये लास्ट ईयर का प्लांट है, तो विंटर में सेव करके रखा था। जब भी आप इस प्लांट को विंटर में बचाना चाहते हैं तो इसको आप अंदर ले जाएँ, शेड में ले जाएँ, ग्रीन नेट के नीचे ले जाएँ, या ऐसी जगह में ले जाएँ जिसके ऊपर छत हो, क्योंकि सर्दियों की ओस ना पड़े तो ये बच जाते हैं, अगर इसके ऊपर ओस पड़ेगी विंटर की तो ये प्लांट मर जाते हैं। ये मेरा बोगनविलिया का प्लांट है पिंक कलर में, और चाइनीज़ बोगनविलिया है, और ये देसी है, काफ़ी फूल खिले हुए थे बोगनविलिया के, कल तेज हवा चली, बारिश आई तो सब फ्लावर्स बोगनविलिया के झड़ गए। ये मेरा वाइट कलर का देसी विंका है, ये गोम्फ्रेना है पिंक कलर में, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, ये मैं जब लेके आई थी तो ये छोटे छोटे फूल थे, अब थोड़े और बड़े हो गए हैं। ऑरेंज कलर में एक जोरा का प्लांट है, ये भी लास्ट ईयर का है, ड्रॉप वैरायटी है, कितना बंचेस में फूल आ रहे हैं इसमें, कितना प्यारा लग रहा है ये। और ये पर्सलिन है येलो कलर में, अभी जैसे जैसे धूप खिलेगी, अभी सुबह का टाइम है तो धूप निकलेगी, तो इस पर धूप जब पड़ेगी तो ये और खिल जाएंगे,
अभी इसमें मैंने वाटरिंग की है तो प्लांट गीले हैं अभी, फ्लावर के ऊपर भी पानी है। ये मधुकामनी का प्लांट है, इस पर बर्ड्स बनी हुई हैं, फूल खिलने वाले हैं। देखो सारी कितनी बर्ड्स हैं, बर्ड्स से भरा पड़ा है प्लांट मेरा। ये बड़ी वैरायटी है मधुकामनी की। और ये ब्लीडिंग हार्ट का है, देखो कैसे भरा पड़ा है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये पर्स लेना है, येलो कलर का है, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था। और ये पिंक रोज़ है, इंग्लिश वैरायटी है, स्पेंट हो गया है। और ये रात की रानी है, इस पर बर्ड्स बन गई हैं। ये इसकी फ्लावरिंग रात को होती है और रात को ही खुशबू आती है। ये देखिए रात की रानी है। ये लंटाना है रेड कलर में, ये भी बंचेस में फ्लावर्स आते हैं इसमें। और ये येलो कलर में है, ये फ्लावर खिल रहे हैं, इसमें बर्ड्स बनी हुई हैं सब में। और ये चांदनी है, डबल पेटल की चांदनी है, देखो सब बर्ड्स बनी हुई हैं इस पर, काफ़ी सारी खिल जाएंगे एक दो दिन में, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। और ये मेरा कनेर का है, ओलेंडर जिसको बोलते हैं, ये वाइट कलर में है और ये पिंक कलर में है, इस पर भी बर्ड्स बनी हुई हैं, फ्लावर खिलने वाले हैं। ये हिबिस्कस के सबकी बर्ड्स बनी हुई हैं, कभी तो ऐसा होता है कि हाँ ये रहे हिबिस्कस, ये वाइट कलर में है, गीले हैं, खिल रहे हैं। ये पिंक हिबिस्कस है। और ये जो हिबिस्कस है ये वाला, इसमें रेड कलर का बड़ा सा फूल आता है, कभी फूल कब आते हैं कभी कब आते हैं, तो जिस दिन वीडियो बनाना हो उस दिन, ज़रूरी नहीं कि सारे फूल खिले हो, जो कल खिले होते वो आज नहीं खिले, जो आज खिले हैं वो कल नहीं खिले होंगे। ये मुसंडा है, वाइट कलर में है मेरे पास। और ये पिंक कलर में देसी विंका है, और ये वाइट कलर में देसी विंका सदाबहार जिसको बोलते हैं, ये भी पिंक कलर में है पर्सलिन। और ये पर्सलिन वाइट कलर में है मेरे पास। और ये देखिए मेरे पास पेटूनिया अभी भी खिल रहे हैं, ये देखिए पेटूनिया कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये मेरा कैलंकोय है, हाइब्रिड वैरायटी पिंक कलर में, ये अभी इस पर फ्लावरिंग होनी है, ये भी पिंक या वाइट कलर, पता नहीं कौन सा कलर है, ये जब आएगा तो पता चलेगा, बर्ड्स बनी हुई हैं इस पर। ये मॉस रोज है, इसमें लाइट पिंक कलर का, ये विंका है मेरा, देखिए इसका शेड देखिए कितना प्यारा है। ये मेरे पास वाइट कलर का पेटूनिया है, ये मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया था, मैं जब प्लांट लेके आई थी तो उसमें से एक मेरी स्टेम टूट गई थी पेटूनिया में से, तो मैंने इसको लगा दिया, तो ये अभी तक चल रही है, ये देखो ये फ्लावरिंग कर रही है अभी भी। और एक ये पेटूनिया का है हैंगिंग बास्केट, बाकी तो हैंगिंग बास्केट ख़त्म हो गई मेरी, पेटूनिया के प्लांट सब चले गए, बट ये प्लांट मेरा पेटूनिया का चल रहा है अभी भी। इसमें भी अभी देखो पेटूनिया में फ्लावरिंग हो रही है। और ये है पर्सलिन, लगाया तो मैंने पिंक कलर का था इसमें, बट एक लगता गलती से कटिंग इसमें मेरे से येलो की भी लग गई है, बट फिर भी अच्छा लग रहा है पिंक और येलो। बाकी अभी हैंगिंग बास्केट तैयार कर रही हूँ मैं, ये भी कटिंग लगाई हुई है मैंने, इसमें ऑरेंज कलर की लगाई हैं, और इसमें मैंने कटिंग्स वाइट कलर की लगाई हैं। अभी और भी हैंगिंग बास्केट तैयार करनी है मुझे, धीरे धीरे कर रही हूँ मैं। ये मेरे पास चंपा का प्लांट है, 2 साल पुराना है, इसने मेरे घर में फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग की है, मुझे नहीं पता था ये कौन सा कलर है, कलर आया तो पता चला, देखो सेंट वाइट कलर का फ्लावर है और सेंटर से येलो है, फर्स्ट टाइम इसने फ्लावरिंग की है। ये प्लांट मैच्योर हो गया, बहुत बड़ा हो गया ये, तो ये प्लांट बहुत सुंदर लग रहा है, फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग होती है तो बहुत खुशी होती है, प्लांट ने फ्लावरिंग की है, प्लांट मैच्योर हो गया है। आज मेरे गार्डन में यही फ्लावर खिले हुए हैं,
मेरे बालकनी में भी फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। किसी दिन मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी और आपसे शेयर करूंगी। अगर आपको मेरे फ्लावर्स, मेरे गार्डन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय फ्रेंड्स।